राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए भले ही कितनी ही योजनाएं शुरू कर चुकी हो, लेकिन लाखों दिव्यांग इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वजह है पहचान का अभाव। आखिर कैसे, देखिए संवाददाता राखी हजेला की ये खास रिपोर्ट। दिव्यांगजन दिवस आज, पहचान के इंतजार में लाखों दिव्यांग, न बन पा रहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, न ही बन रहे यूनिक आईडी कार्ड। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, दस्तावेजों के झमेलों में उलझे दिव्यांग। दिव्यांगों की यही पुकार, अब तो सुनो सरकार। प्रदेश के दिव्यांगों को उनकी पहचान यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र ही नहीं मिल पा रहे हैं, साथ ही यूनिक आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया भी धीमी गति से चल रही है। नतीजा, उन्हें इन दोनों के बनने के बाद मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे। जानकारी के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कुछ समय पूर्व प्रदेश में दिव्यांगों को चिन्हित करने के लिए एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में 11,99,188 विशेष योग्यजन हैं। इनमें से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 4,50,844 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी उनके पहचान पत्र मिल पाए हैं। शेष दिव्यांग अपनी पहचान के इंतजार में हैं। नतीजा, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। विशेष योग्यजन जो कि 40% या 40% से अधिक दिव्यांग हैं और उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ है, ऐसे दिव्यांगों को आवेदन करने पर उनकी पात्रता के अनुसार राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मिलता है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत विशेष योग्यजन पेंशन का लाभ भी मिलता है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण विकलांग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। दिव्यांग फ्रेंडली नहीं प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका। प्रदेश के सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगों को उनकी पहचान दिलवाने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उन्हें जुटाना ही एक दिव्यांग के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में परेशान होकर दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश ही नहीं करते। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के विकलांग होने का प्रमाण पत्र, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, शरीर के विकलांग अंगों की 2 फोटो, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र 4 पेज वाला, आवेदक की बैंक पासबुक। विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ बताएं आपको। परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलती है। सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का लाभ मिलता है। दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा मिलती है। रेलवे किराए में छूट। गांव समाज की जमीन आवंटन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी प्रकार के आवेदन करते समय आवेदन शुल्क में छूट मिलती है। UDID कार्ड बनाने में आ रही परेशानी। देखिए, विकलांगता प्रमाण पत्र के अलावा UDID कार्ड भी भारत सरकार का एक स्कीम है, और वो भी उसमें भी दिव्यांगजनों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और UDID कार्ड समय पर मिलता नहीं है, वेबसाइट उसकी खुलती नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है, लेकिन वो भी पूरी तरह से दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है। कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई कहाँ शिकायत करे किसी को कोई पता नहीं है, सब कुछ डार्क में है। ये स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको UDID कार्ड नहीं मिलेगा, सारी आपकी स्कीम्स का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, सारे काम आपके रुक जाएंगे। तो हम बार बार ये सरकार से निवेदन करते रहे हैं कि UDID कार्ड और विकलांगता प्रमाण पत्र बनने में जितना इनको सरलता से और सुगमता से ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, तब तक कुछ इनका भला हो नहीं पाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सालों से काम कर रहे हेमंत भाई गोयल का कहना है कि दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र आसानी से नहीं मिल पा रहे। अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाते हैं, आय और जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, इससे पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जब तक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।